जा बिल्ड रहे जा बिल्ड रहे जा बिल्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का पहला रियल एस्टेट का वेब न्यूज चैनल जो सिर्फ रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरें दिखाता है। शुरू करते हैं एस्टेट न्यूज के खास शो जिसका नाम वॉइस ऑफ आरडब्ल्यूए है। इस खास शो के जरिए हम हर शनिवार को शाम 5 बजे गुरुग्राम की एक सोसाइटी या फिर हम होम बायर्स की एक परेशानी को प्रशासन और सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं, ताकि गुरुग्राम में करोड़ों के फ्लैट में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ उनका करोड़ों का फ्लैट वक्त पर मिल सके। अगर आप भी परेशान हैं या आपकी भी सोसाइटी में कोई परेशानी है या बिल्डर से यहाँ के लोग परेशान हैं, तो आप हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपकी आवाज को हम वॉइस ऑफ आरडब्ल्यूए शो के जरिए सरकार और प्रशासन तक पहुँचाने का काम कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के खास शो को। आज हम बात करेंगे गुरुग्राम में बिल्डरों की मनमानी क्यों कम होने का नाम नहीं ले रही है। गुरुग्राम में बिल्डरों की मनमानी और लूट का खेल लगातार जारी है। बिल्डरों से आज तमाम प्रोजेक्ट्स के बायर्स जहां परेशान दिखाई देते हैं, तो एक और बिल्डर ने प्रोजेक्ट के डिले होने के चलते बायर्स ने प्रोजेक्ट साइट पर पहुंचकर जोरदार प्रोटेस्ट किया और जमकर बिल्डर्स के साथ रेरा और डीटीसीपी विभाग पर अपनी जमकर भड़ास निकाली। आखिर ये कौन से प्रोजेक्ट्स के बायर्स है और क्यों आज से बिल्डर साथ साथ रेरा और डीटीसीपी विभाग को जमकर कोसते हुए नजर आए। साथ ही इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल भी हम आपको इस शो में दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुँच सके। दरअसल सरकारी महकमों और बिल्डर पर सवाल उठते हैं। ये लोग सेक्टर 99 में रहेजा बिल्डर के वानी नाम से प्रोजेक्ट के बायर्स हैं, और ये लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको तय समय से इनके सपनों का घर नहीं मिला, जबकि 100% तक लोगों ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी भी बिल्डर को पेमेंट के रूप में दे दी है, और 3 साल से ज्यादा का वक्त अब पूरे प्रोजेक्ट को डिले में हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं गुरुग्राम के सेक्टर 99 में रहेजा डेवलपर के वाने प्रोजेक्ट को। 2017 में लॉन्च किया गया था। इस पूरे प्रोजेक्ट को 12 में तैयार करना था और 2021-2022 में इसे पूरे प्रोजेक्ट की डिलीवरी देनी थी, जिसमें 4 टावर शामिल थे, जबकि 419 फ्लैट हैं। लेकिन अभी तक इसमें केवल 40% तक ही काम हो पाया है, और अब बायर्स को लग रहा है कि कुछ महीने या फिर 1 साल तक इस प्रोजेक्ट में और लग सकता है। मेरा नाम मनप्रीत भाटिया है और हमारा सी विंग में है हमारा फ्लैट, और 2019 में हमने किया था, और पहले हमने डी में करवाया था बुकिंग, पर डी टावर तो समहाउ दे हैव नॉट स्टार्टेड, उसका फाउंडेशन भी लेने किया, और हमारे को अल्टीमेटली इन्होंने सी में, हमने जब इनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया तो इन्होंने हमारे को सी विंग में डाल दिया। So, उसके बाद भी आफ्टर 2020 में तो मार्च में कोविड ही आ गया था, और कोविड आई थिंक इट हैज लिंगर्ड ऑन, आई डोंट नो व्हाई, मतलब एवरीथिंग हैज स्टार्टेड ऑन इट्स ओन नाउ एंड फुल फ्लेज हर जगह पे काम भी हो रहा है, बट आई डोंट नो। रहेजा वाज वन बिल्डर, हमने इतना सर्वे किया था यहाँ पर 99 सेक्टर में सारा, और हमने सिर्फ रहेजा को फाइनलाइज किया था इसलिए क्योंकि बिकॉज वी बिलीव्ड कि रहेजा इज गोइंग टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन टाइम एंड दिस इज वॉट वी एक्सपेक्टेड। I don't know what these people are up to and what they want. I mean, the people are just holding the meetings and no concrete steps have been taken till now. So I don't know what the government is doing, what RERA is doing. Itne log pareshan hai, itne logon ke flats abhi tak mile nahi hai. EMIs, bank ke loans. I mean, this is something which is very, very frustrating and problematic for people. I mean, the government should take some immediate action. So this is our request to RERA, to the government, to please help the people who are, there are people who are paying their EMIs and some of them are maybe renting or living on rent. So I think please take some concrete steps in this regard. So that is our plea and I think everybody is going to agree. Thank you, Bhalla. Our flat A tower mein hai, March 2017 ki booking hai. Ye sab logon ne jo kuch kaha uske अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने जो प्रोजेक्ट फाइनेंस पहले एलएनटी से करवाया था, तो एलएनटी को पैसा इनका नहीं गया होगा इंटरनली, तो ये कुछ बताते नहीं कि क्या है कारण, बट इट्स वेरी वेल एविडेंट कि नाउ द एडलवेस रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, उन्होंने टेक ओवर कर लिया होगा। तो एलएनटी के उस टाइम जितने भी अनसोल्ड फ्लैट थे उन्होंने पब्लिक नोटिस दे दिया था कि ये सारे फ्लैट जो है हमको मॉर्गेज हैं। अब वो लोग अभी तक जो उनको उसके बाद यहाँ पर डी से शिफ्ट किए हैं यहाँ पर, या उन्होंने उसके बाद जिन्होंने भी परचेज़ किए हैं उनको एडलवेस एनओसी भी नहीं दे रहा, क्योंकि एनओसी को पैसा नहीं मिल रहा, फंड्स इन्होंने डाइवर्ट कर दिए हैं। तो और एलएनटी ने कुछ डिस्काउंट पे डेफिनेटली जो है जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है उसको डिस्काउंट में सेल होता है, उन्होंने तो सेल कर लिया, तो वो फ्लैट्स भी जो हैं लोगों के यहाँ बुक करने के बाद भी
दे आर एट ए लॉस बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द एनओसी, दे आर नॉट एबल टू टेक द फाइनेंस फ्रॉम द बैंक। मेरा नाम है पवन मल्होत्रा, तो मैंने भी 2018 में बुक किया था और उन्होंने कहा था कि हम 22 के दिसंबर में आपको दे देंगे, और उसके बाद हम फिर इनके पास कई बार आए सब लोगों के साथ मिलकर, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 23 में जरूर दे देंगे, तो उसके बाद अभी तक तो हाफ ऑफ द फ्लैट्स हैव नॉट बीन मेड एंड मतलब रॉ फ्लैट्स पड़े हैं एंड देयर इज नोबडी देयर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर नॉट देयर एंड वी हैव बीन कमिंग requesting them, there had been meeting with their owners also, Naveen Nayar, and he has been always promising, aur bar bar wo manager bhi change kar dete hain aur bar bar hame bolte hain, so I am paying around 40,000 per month with the bank. Bank will take it because bank will not stop it, so I am paying them, so pata bhi nahi hai kya hone wala hai iska, aur nobody is taking action. In fact, all of you know we have gone to consumer court also, I don't know what will happen. But we all request that government of Haryana should take some decision in this case, even though RERA has been there, but nothing is happening. लोगों की माने तो 100% लोग पेमेंट कर चुके हैं और अधिकारियों के चक्कर भी लगा चुके हैं, यहाँ तक कि रेरा का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं, लेकिन ना तो DTCP विभाग ने कोई कार्रवाई की है और ना ही रेरा बिल्डर पर सख्त हो पाया है। अब लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि तमाम विभाग बिल्डर के साथ मिले हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि उन्हें EMI और रेंट के चलते डबल मार पड़ रही है और अगर बिल्डर समय रहते प्रोजेक्ट डिलीवर कर देता तो उनकी थोड़ी सी मुश्किलें आसान हो जाती, और यही कारण है कि लगातार बायर्स अब सरकारी महकमों को भी सवालों के घेरे में खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से DTCP और रेरा को जहां फेल साबित बता रहे हैं, तो वहीं इन पर बिल्डर के साथ मिलने के आरोप भी जड़ रहे हैं। जून 17 में ये फ्लैट बुक कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि विद इन 3 ईयर और 4 ईयर ये कम्प्लीट हो जाएंगे, दैट मीन्स 21 दिसंबर तक कम्प्लीट हो जाने चाहिए। इन्होंने हमारे से तकरीबन 80% पैसा एडवांस ऑलमोस्ट जो भी इनकी डिमांड आई है ले लिया, और काम आप देख ही सकते हो हार्डली 40% इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ा का अंदर का कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। पिछले 3 साल से 0 प्रोग्रेस इनकी आ रही है, हर रोज हर कुछ टाइम पे यही है कि आप हम लेबर लगा देंगे, अब ये हो गया है, अब हमारे दिवाली पे लेबर गई है, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। बड़ी से बड़ी सजा है ऐसे चोरों के लिए, बद्दुआएं निकलती हैं, हमारे लोग किराए पे रह रहे हैं, EMI दे रहे हैं, किराए गुड़गांव में डबल ट्रिपल हो गए हैं, ये शेमलेस लोगों को कुछ नहीं, अपने छोटे से प्रॉफिट के लिए दे आर चीटिंग। I don't want to say this. हमने इसकी पेमेंट करी थी, बुकिंग करी थी, और इसके बाद अभी तक ये हर 6 महीने में डेट दे रहे हैं नई डेट, और कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही, कोई लेबर नहीं है, कोई वर्कर नहीं है, यहाँ पे पूरा बंद पड़ा हुआ है और सिर्फ फेक डेट्स दे रहे हैं। इसके पीछे ये कारण है, ये इधर उधर अपने फंड डाइवर्ट कर रहे हैं, फंड यहाँ से निकाल के रेरा अकाउंट, इन्होंने अपना जो है बैंक का पेमेंट का अकाउंट है वो बदल दिया, रेरा में पैसे नहीं जा रहे, पूरी लोड मचा रखी है। और टिंकू मल्होत्रा, ये जून 17 में हमें ओरिजिनल बुकिंग की थी और आज 8 साल फुल पेमेंट के साथ की है, नो EMI, लेकिन वी आर स्टिल वेटिंग बिकॉज वी आर इन अ डायर नीड ऑफ इट, नो पेंडिंग पेमेंट इज देयर फॉर अस, लेकिन आई एम कंसर्न विद ऑल द अदर मेंबर्स हु आर पेइंग EMI ऑल्सो, दे आर ऑल्सो पेइंग रेंट विच हैज इंक्रीज्ड ओवर द लास्ट 8 ईयर्स एंड इट्स वेरी शेमफुल ऑन द पार्ट ऑफ द रिहाइजा डेवलपर्स दैट दे आर नॉट लिसनिंग टू द मेंबर्स प्रॉब्लम्स एंड देयर वोज, दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर एसेट्स एंड दे ऑलवेज गिव द टाइमलाइन एंड दे आर डीलिंग द प्रोजेक्ट। लोगों की माने तो बिल्डर हर 6 महीने में उनके प्रोजेक्ट जल्द पूरा करने का आश्वासन देता है, और जब वे मीटिंग करने के लिए जाते हैं तो बिल्डर हर 6 महीने में अपना स्टाफ भी बदल देता है ताकि लोग प्रोजेक्ट डिले होने की असली वजह ना पता लगा सके। हालांकि लोगों का यही मानना है कि रहेजा बिल्डर का उन्होंने सर्वे करके फ्लैट खरीदा था कि रहेजा बिल्डर समय पर प्रोजेक्शन देते हैं, लेकिन अब उनका सर्वे भी फेल हो गया है और उनका भ्रम भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। अगर बड़े बिल्डर ही लोगों का विश्वास तोड़ने और खराब करने पर मजबूर होंगे तो फिर छोटे बिल्डरों पर कैसे और क्यों भरोसा किया जा सकता है? अब लोग रेरा और सरकार से मदद की गुहार लगाने पर मजबूर हो गए। बहरहाल, जहां एक तरफ आज लोग लगातार बिल्डरों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं सवाल अब सरकारी विभागों पर भी खड़े होने लगे हैं कि आखिरकार क्यों रहेजा जैसे प्रोजेक्ट को भी समय पर डिलीवरी नहीं मिल पा रही है। आपको क्या लगता है कि रहेजा बिल्डर जैसे प्रोजेक्ट क्यों डिले होते हैं और क्यों ऐसे बिल्डरों पर कार्रवाई नहीं होती है?
कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।